हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओम सर फाउंडेशन। दोस्तों एक बार फिर से आज बिहार के जो वायरल सोनू बाबू हैं, इन्हीं के ऊपर हमारा आज का वीडियो होगा। दोस्तों सोनू ने डायरेक्टली नीतीश कुमार से मिले और अपने एजुकेशन के लिए, हेल्प के लिए डायरेक्टली सीएम से गुहार लगाया, उनसे निवेदन किया, विनती किया, इसी वजह से वो वायरल हो गए। डायरेक्टली जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने के आदि होते हैं, उस उम्र में बच्चे ने अकेले जाकर, अब क्या सपोर्ट सिस्टम है अब तो पता नहीं, अब तो जो जानने वाले हैं वही जानेंगे, पर जिस तरह से इस बच्चे ने जाकर गुहार लगाया अपने एजुकेशन के हेल्प के लिए, मतलब इस बहुत सराहनीय है। परंतु दोस्तों उस समय तो अच्छा किया, परंतु उसके बाद जब वायरल हो गया सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर, तो उसके बाद इस बच्चे के घर पर बहुत सारे नेता, मंत्री, सोशल मीडिया वाले, चैनल वाले, न्यूज़ चैनल वाले, बड़े बड़े लोग, मतलब जाकर इसके घर पर इस बच्चे से मिले, इंटरव्यू लिए, साथ ही साथ उसको एक आश्वासन दिए कि उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन के लिए हर जगह, मतलब जहां पढ़ना चाहता है उस प्लेस पर उसको एडमिशन दिलवाने का वादा किया। दोस्तों बड़े एक्टर सोनू सूद ने भी इनको सपोर्ट देने के लिए, मतलब एडमिशन दिलाने के लिए अब वादा किया है, ऑफर था, उस ऑफर को ठुकरा दिया। अब कहां तक सही है, कहां तक गलत है, अब तो वही जाने और डायरेक्टली सोनू सूद जाने, ये तो हम लोग जानते नहीं हैं। हम तो जो देखते हैं वही चीज़ें अब उनसे, मतलब क्वेश्चन करेंगे। परंतु दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर सोनू, ठीक है आपने सवाल किया, आप अच्छे बोल लेते हो, अच्छा आप क्वेश्चन कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु जिस तरह से आप अपने फ्यूचर को एक तरह से आप पीछे की ओर धकेल रहे हो ना, जो आईएएस बनने का सपना था, वो सपना को आप लगता है ना अपने हाथ से ही गला दबा दोगे उस सपने को, ठीक है ना, उस सपने को मार डालोगे, ख़त्म कर डालोगे। सोनू बाबू संभल जाओ, जो मीडिया वाले हैं, जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, जो नेता मंत्री हैं ना, आपको यूटिलाइज करेंगे, ना कि आपके भविष्य के लिए सोचेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि सोनू जिस तरह से इसने क्वेश्चन किया, बहुत ही सराहनीय है। इस उम्र में इस बच्चे ने जिस तरह से बिहार सरकार के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल किया और एजुकेशन सिस्टम पर उसको सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से गुहार हर जगह लगाया। दोस्तों इस उम्र में लोग खेलने के लिए आदे होते हैं, बच्चे खेलने के लिए आदे होते हैं, परंतु इस बच्चे ने कुछ अच्छा सोचा, अच्छा अपना फ्यूचर के लिए सोचा, तो इस सवाल कर दिया। परंतु दोस्तों अब सोनू सेलिब्रिटी बनते जा रहे हैं, ये गलत है, इनका जो फ्यूचर है ना वो ख़त्म होते जा रहा है। दोस्तों जिस हाथ में कलम कॉपी, मतलब इसको एजुकेशन सिस्टम के लिए सपोर्ट देना चाहिए, उसी हाथ में अभी कैमरा पकड़ा दिया गया और माइक पकड़ा दिया गया कि आप राजनीति करो, राजनीति करोगे तो उनकी जो पार्टी है, जो क्वेश्चन करने आते हैं या न्यूज़ चैनल वाले हैं उनकी चैनल और पार्टी, मतलब जो पार्टी वाले हैं पार्टी और जो चैनल वाले हैं चैनल चमकेगा। तो दोस्तों इनका चमक तो जाएगा, परंतु अब हम बात करेंगे कि अगर सोनू, ठीक है आप सेलिब्रिटी बनते जा रहे हो, जिस तरह से आप वायरल होते जा रहे हो ना, उस तरह से आपके अंदर ईगो भी बाबू आते जा रहा है, आपके परिवार वाले पता नहीं क्या सोच रहे हैं। दोस्तों मैं इस सोनू से क्वेश्चन करना चाहता हूं, परंतु अभी तक मिला नहीं। अब दोस्तों अब सबसे कड़वी बात करूंगा कि हाँ ठीक है बाबू सोनू, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो ये, मतलब राजनीति के माइक चौक पकड़ क्यों लिए, राजनीति वाले आप क्वेश्चन क्यों करने लगते हो लोगों से, और अपनी जो, अब तो अब एक वीडियो दिखा देता हूँ कि जिस तरह से इसको अकड़ है, इस बच्चे को अकड़ है, पता नहीं ये सच में है, ये बच्चे के अंदर जो जुनून है, जो पढ़ने के हुनर है, ये सच में है या फिर गलत है, पता नहीं चल रहा अभी तक। अभी हम मिलेंगे तभी पता चलेगा कि इसके अंदर सच्चाई क्या है, इस बच्चे के अंदर खासियत क्या है। अभी तक हम केवल उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो लगता है कि बहुत अच्छा बच्चा है। अभी दोस्तों अभी आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ कि बिहार के ही कैमूर डिस्ट्रिक्ट से इस एक बच्चा दिखा रहा हूँ कि ये बच्चा सोनू से भी लगभग छोटा है, परंतु ये कितना तेज है आपको अभी दिखा देता हूँ लाइव। इस बच्चे को अभी क्लिप डाल दे रहा हूँ कि आप देख लो कि कितना बच्चा तेज है। इसको बना किस टॉप, पांचवा टॉप, देखिए बना रहा है, कितना फास्ट बनाता है, थोड़ा देख लीजिए। तो हर देखिए गजब, ये एट क्लास के होगा, मैथ एट क्लास में है बाबू, हाँ एट क्लास में पढ़ना है, और देखिए ये बना रहा है, वाह क्या बात है, गजब। कौन से क्लास में पढ़ते हैं एक बार फिर से बता दीजिए। सिक्स क्लास में पढ़ाते, कितने कितने क्लास के बच्चे को हो? 1 2 3 4 6 7 8 8 क्लास तक के बच्चे को, हाँ क्या बात है, सिक्स में पढ़ता है, ध्यान दीजिए।
सिक्स में पढ़ता है और एट क्लास तक के बच्चे को कितने बच्चे हैं आपके क्लास में, कितने बच्चे होंगे आपके? अभी यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर दस बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमारे कोचिंग में और यहाँ के बच्चे मिला दिए तो 50 60 60 बच्चे। ये सोनू से भी कहीं ज्यादा तेज है। परंतु दोस्तों, कोई बच्चा बोलने वाला होता है, कोई पढ़ने वाला होता है, किसी का आईक्यू तेज होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से सोनू केवल बोलने वालों में से मुझे लगता है कि है, पढ़ने वालों में से नहीं है। क्योंकि पढ़ने वाला होता ना तो उसके हाथ में माइक नहीं होता, राजनीति की ये कटोरा नहीं होता। जो राजनीति लगता है इस बच्चे ने, ये छोटा सा बच्चा है मगर राजनीति के तो लगता है कि ये भंडार है। परंतु दोस्तों, इसको राजनीति में ढकेलने वाले लोग हम ही जैसे हैं लोग हैं, ठीक है ना। जो न्यूज चैनल वाले हैं, जो नेता मंत्री हैं, इसको लगता है कि अब कटोरा पकड़ा देंगे राजनीति का। ये गलत है, इस बच्चे का फ्यूचर पूरा बर्बाद हो जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह से एक्टिविटी जो हो रहा है उस एक्टिविटी से बचाएं, उस बच्चे को बचाने का जितना भी योगदान हो सके उस तक पहुंच कर करें। या अगल बगल के लोग हैं, अगर उसके घर वाले सुन रहे हों, हमारे वीडियो देख रहे हों, तो उस बच्चे को बचाने की कोशिश करिए। उस बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, पर उस बच्चे को अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो ना तो उस बच्चे का जो फ्यूचर है वो डार्क हो जाएगा, मतलब अंधेरे में चला जाएगा। ये लिख के ले लो दोस्तों। हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई सपोर्ट नहीं मिल पाती है इस बच्चे को तो सपोर्ट देगी, आजीवन सपोर्ट देगी, ये वादा है दोस्तों। अब साथ ही बात करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन पे काम करती है। अगर एजुकेशन पे काम करती है तो इस बच्चे को तो एजुकेशन सबसे पहले चाहिए, एजुकेशन का ही डिमांड कर रहा है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराती है अभी जहाँ तक सक्षम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोचिंग इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से प्रोवाइड कराएगी। और साथ ही स्कॉलरशिप की बात करें तो उसको स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था हम देंगे। परंतु इस बच्चे के अंदर जो हुनर है, जुनून है, उस जुनून पे कायम रहेगा तभी तो कोई कर पाएगा। अदरवाइज वो अगर मतलब राजनीति में आ जाएगा या अपने सेलिब्रिटी बनने के हुनर में आ जाएगा तो ये फिर उसको कोई सपोर्ट कर नहीं पाएगा, हम भी नहीं कर पाएंगे। तो उस बच्चे को फ्यूचर बनाने के लिए मतलब क्या करना चाहिए, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में करके आप लोग बता दें। तो दोस्तों, आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर इस बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज आप जो इसके फ्यूचर में जो अदरवाइज आप अगर अदरवाइज आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन अपना दीजिए, ताकि इस बच्चे तक हम पहुंचे और जाकर उसको जो भी योगदान हो पाए, आजीवन हो पाए, आज के लिए हो पाए, कल के लिए हो पाए, या जितना हो पाए हम एजुकेशन सिस्टम में सहयोग हो पाए करें। दोस्तों, जो बिहार का एजुकेशन सिस्टम है इस पर मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ, आपको लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है इसमें डाल देता हूँ, साथ ही साथ IQ बटन में भी डाल देता हूँ कि आप लोग जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम क्या है। उस पर मैं मतलब एक कड़वी सच्चाई बोला हूँ, उस पर जाकर देख सकते हैं कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम का क्या हालात है, उस पर मैं वीडियो बनाया था, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।